स्वामी के साथ हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ, अन्यथा हम तुम्हारा वध कर देंगे। ये कैसे हो सकता है? हमने मंदरा को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, फिर वो शिवराज को लेकर महल की ओर क्यों लौट रही थी? महामहिम, यही सोच सोचकर तो मैं भी चिंतित हूं और घबरा भी गया हूं कि मंदरा को क्या हो गया है। क्या वो अपने मन से कार्य क्यों करने लगी है? हाँ नागराज, हमें अपने भाई की चिंता सता रही है। हम उनके विषय में वनराज से कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए हम पुराने महल में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं समझ गया युवराज, मैं समझ गया, आप बहुत घोर चिंता में डूबे हुए। सीमा के पार गजराज सिंह को एक ऐसा विचित्र युवराज दिखाई दिया है जो देखते ही देखते मनुष्य से पशु में बदल जाता है। तुम्हें उस पशुराज पर अपनी दृष्टि जमाए रखनी होगी और उसकी प्रत्येक सूचना हमें लाला कर देनी होगी। मैं दिन रात उस पशुराज पर अपनी पैनी दृष्टि जमाए रखूंगी और इस बार मैं आपको ऐसी ऐसी सूचनाएं लाकर दूंगी जिसे सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। सिपाहियों, युवराज को अंदर लेके आओ। यही है हमारा पुराना महल जहाँ राज अतिथि को विशेष सेवा दी जाती है। आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। किंतु उस पुराने महल में एक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा, हमारी सेवा कौन करेगा? आपकी सेवा में हमने रूपनगर की सबसे चतुर युवती महाश्वेता को नियुक्त किया है। आपके एक ही इशारे पर वो अपनी जान निछावर कर देगी। प्रणाम गजराज जी। प्रसन्न रहो महाश्वेता, देखो हमारे नए राज अतिथि इस महल में पधार चुके हैं। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आज से महाश्वेता आपकी सेविका है, आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो महाश्वेता को आदेश दे देना। अब हम चलते हैं, रूपनगर के महल में जाकर राजकुमारी चंद्रमुखी से भेंट करनी है ताकि उनसे आपका परिचय शीघ्र से शीघ्र हो जाए। युवराज, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश दीजिए। अभी हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर जब भी आवश्यकता होगी तो आपको स्वयं याद करेंगे। किंतु आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगी? आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है युवराज। बताइए क्या प्रश्न है आपका? तुम इस महल में कब से कार्य कर रही हो? तुमने यहाँ इतना समय व्यतीत किया है? जब से मैंने इस संसार में नेत्र खोले हैं तब से मैं इसी महल में रहती आई हूँ और राजकुमारी चंद्रमुखी की सेवा करती चली आ रही हूँ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुम राजकुमारी चंद्रमुखी के बहुत समीप हो।
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? राजकुमारी चंद्रमुखी की सबसे प्रिय एक ही वस्तु है, जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं, और वो है चंद्रमुखी का फूल। राजकुमारी चंद्रमुखी की सबसे प्रिय एक ही वस्तु है, जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं, और वो है चंद्रमुखी का फूल, जो पूरे संसार में और कहीं नहीं पाया जाता। ऐसा क्या उस फूल में तो राजकुमारी चंद्रमुखी उसे अपने प्राणों से भी अधिक जाती है? ये तो स्वयं राजकुमारी चंद्रमुखी ही जाने, किंतु इतना अवश्य बता सकती हूँ कि वो उस फूल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो फूल ही राजकुमारी चंद्रमुखी के सुख दुख का साथी है। आश्चर्य है, एक फूल राजकुमारी को इतनी खुशी दे सकता है, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम हमें यह बता सकती हो कि वो फूल कहाँ है? उस फूल को राजकुमारी चंद्रमुखी सदा अपने मन में बसा कर रखती है। बस इसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं जानती। किंतु आप उस फूल के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? कारण कुछ भी नहीं है। मैंने इतने विचित्र फूल के बारे में कभी सुना नहीं था, इसलिए उसे मैं देखना चाहता था। कोई बात नहीं, अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, थोड़ी थकावट सी लग रही है। आप विश्राम कीजिए युवराज, यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मां श्वेता को याद कीजिएगा। अब चलती हूं। चंद्रमुखी के राज्य रूपनगर तो हम पहुंच गए हैं, अब केवल चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करना रह गया है, जो हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर है। चंद्रमुखी के फूल को प्राप्त करने ही वो युवराज यहां आया है। सेना प्रमुख जी, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है। जब तक मां श्वेता युवराज के बारे में कोई सूचना लेके नहीं आती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। भवन सिंह जी, मुझे नहीं लगता कि अलकापुरी नरेश का पुत्र वनराज केवल एक फूल की खातिर इतने दूर से आया है। वो अनेक महाराजा राजा की तरह चंद्रमुखी की सुंदरता को देखने आया है। प्रणाम। प्रथम भेंट के भीतर ही मैं उस अतिथि युवराज के मन की सारी बातें जान चुकी हूं। वनराज ने मुझसे चंद्रमुखी के फूल के सिवा और कुछ नहीं पूछा। बस आज इतनी ही सूचना ला पाई हूं। सेना प्रमुख जी, हमारा संदेह ठीक निकला। अब हमें विश्वास हो गया है कि वो विचित्र युवराज चंद्रमुखी के फूल का रहस्य जानने ही यहाँ आया है, क्योंकि इसने राजकुमारी चंद्रमुखी की नई गुप्तचर महासेवता से केवल इसी फूल की चर्चा की है। आप ठीक कह रहे हैं, मां श्वेता की सूचना ने हमें विश्वास दिला दिया है कोई युवराज को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना की जाए, क्योंकि उसके लगाव चंद्रमुखी में नहीं, चंद्रमुखी के रहस्यमय फूल में है। मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ। उस विचित्र युवक से बात करने के पश्चात ही मुझे संदेह हो गया था कि वह अनेक शक्तिशाली एवं विनाशकारी शक्तियों का स्वामी है। उसके हर प्रश्न में एक रहस्य छुपा हुआ था। उसे शीघ्र छुटकारा पाने का उपाय सोचना चाहिए,
उपाय सोच लिया गया है महाश्वेता। हम राज पंडित से उसकी जन्म कुंडली निकलवाने जा रहे हैं। तुम भी जाओ और अपनी बात जैसी दृष्टि उस पर जमाए रखो। याद रहे, अगर वो सांस भी ले तो उसकी ध्वनि हमें सुनाई देना चाहिए, किंतु किसी भी मूल्य पर उसे यह संदेह नहीं होना चाहिए कि हमने तुम्हें उसकी सेवा के लिए नहीं बल्कि गुप्तचरी के लिए रखा है। महाश्वेता कभी उसे यह संदेह नहीं होने देगी कि रूपनगर के अधिकारियों ने मुझे उसका भेद लेने भेजा है। मैं अपने कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। मैं नई सूचना लेकर अतिशीघ्र लौटूंगी, अब आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम। सेना प्रमुख जी, अब उस विचित्र युवराज की अग्नि परीक्षा लेने का समय आ गया है। इससे पहले के रूपनगर में कोहराम मुझे, हमें तुरंत नदी किनारे जाकर आश्रम में राज पंडित से भेंट कर लेनी चाहिए ताकि सत्य और असत्य का पता लग सके। चलिए भवंश जी, राज पंडित स्वामी सरस्वती नंदन हमें नदी किनारे मिलेंगे, चलिए। नमो सूर्याय सहस्रकिरणाय रीम स्वाहा। रूपनगर के राज पंडित स्वामी सरस्वती नंदन की जय। प्रणाम। कल्याण हो वत्स। वत्स, ऐसा क्या कष्ट आ गया कि नगर से इतनी दूर यात्रा करके आप हमारे यहां पधारे? स्वामी जी, आप तो अंतर्यामी हैं, बिना बताए आप सब कुछ जान जाते हैं। इस पृथ्वी पर केवल आप ही है जो अगले पिछले जन्मों की भविष्यवाणी सही सही बता सकते हैं। सेना प्रमुख जी ठीक कह रहे हैं राज पंडित जी, योग साधना से आपने भूत भविष्य और वर्तमान का भेद जान लिया है। आज हम आपसे एक ऐसे विचित्र युवराज की कुंडली जानने आए हैं जो मनुष्य भी है और पशु भी। यदि आपने अलकापुरी युवराज का रहस्य नहीं खोला तो रूपनगर में भारी भारी संकट दिखाई दे सकते हैं। रूपनगर की रक्षा के लिए कृपया आप बताइए हमें क्या करना होगा और उस अतिथि युवराज के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना होगा। शांत हो वस्त। हमारी दिव्य दृष्टि अलकापुरी के होने वाले महान दैत्य सम्राट वनराज की ओर पहुंच रही है। हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रूपनगर की तमाम बाधाओं को समाप्त करके दैत्य सम्राट वनराज
अंत में रूपनगर की धरती पर आ ही गए। क्या वनराज दैत्य सम्राट है? क्या अलकापुरी के सम्राट वनराज ही बनेंगे? किंतु क्या रूपनगर से लौटकर जाना संभव है? नहीं, कभी नहीं। रूपनगर में एक बार जो आ जाता है वो वापस लौटकर कभी नहीं जाता। इस सत्य को हम जानते हैं। हमें क्या पूरा संसार जानता है कि रूपनगर पहुंचने के पश्चात कोई वापस नहीं आता, किंतु कोई ये नहीं जानता कि दैत्य सम्राट वनराज कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उसे वापस आने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्या वनराज दैत्य सम्राट है? क्या उनका कार्य केवल विनाश करना ही है? क्या वो रूपनगर का विनाश करने आए हैं? नहीं। दैत्य सम्राट वनराज का यहां आने का लक्ष्य कुछ और है। अन्य राजकुमार कोई बाती राजकुमारी चंद्रमुखी को पाने की लालसा से वो यहां नहीं आए। तो उनका यहां आने का उद्देश्य क्या है? वो रूपनगर भूमि से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगर संसार की उस इकलौती और अनोखी वस्तु का भेद खोल दिया तो राजकुमारी चंद्रमुखी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए उस रहस्य को गुप्त रखना ही श्रेष्ठ है। इसके आगे सुनने की शक्ति हम खो बैठे हैं स्वामी जी। आप केवल हमें इतना बता दीजिए कि हम क्या करें जिससे रूपनगर और रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी के प्राणों की रक्षा हो सके। अब भविष्य में होने वाली उथल पुथल का भेद केवल भगवान ही जानते हैं। हां, रूपनगर में अपने इतिहास का सबसे बड़ा डरावना समय प्रारंभ होने वाला है, लेकिन दैत्य सम्राट वनराज उसकी रक्षा के लिए अपनी तमाम शक्तियों का उपयोग करेंगे, ये हमने जान लिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दैत्य सम्राज हमें आने नहीं पहुंचाएंगे, अपितु हमारी रक्षा करेंगे। ईश्वर ने वनराज के दो स्वरूप बनाए हैं, एक सबका रक्षक महायोद्धा है तो दूसरा भयानक हिंसक पशु। जब जब वनराज में छिपा पशु अवतार लेगा तब तब वो रूपनगर में प्रलय का तांडव मचाएगा, और जब मनुष्य की खोल में आएगा तब रूपनगर और रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल देगा। अब हमारी दिव्य दृष्टि खत्म हो रही है, आप वापस लौट सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा, संकट आने पर हम फिर आपकी शरण में आएंगे। अब रूपनगर में होने वाली भयानक हलचलों की जानकारी राजकुमारी चंद्रमुखी को देने का समय आ गया है। प्रणाम सर। भुवन काका, आपके और सेना प्रमुख जी के मुख पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही है? कहीं हमारे प्रिय फूल के बारे में कोई
अनिष्ट समाचार तो नहीं लाए हैं आप? आप दोनों चुप क्यों हैं? आप दोनों कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? अचानक आप दोनों यहाँ कैसे आए हैं? हम राज पंडित स्वामी सरस्वती नंदन से मिलकर आए हैं बेटी। उन्होंने नए युवराज के विषय में जो बताया है उसे सुनकर हमारे पैरों तले से धरती सरक गई है बेटी। राज पंडित ने अतिथि युवराज के विषय में क्या बताया है? शीघ्र बताइए भुवन काका, अतिथि वनराज में ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतना भयभीत हो गए हैं? अतिथि युवराज वनराज असीम दैत्य शक्ति का स्वामी है चंद्रमुखी जी, और ये भी प्रमाणित हो गया है वो किसी ऐसे वस्तु को प्राप्त करने आया है जो संसार में कहीं नहीं, सिर्फ रूपनगर में ही पाई जाती है। रूपनगर में ही पाई जाती है? कहीं वो वस्तु हमारा प्रिय फूल तो नहीं है? हो सकता है, किंतु हमें इसके उचित प्रमाण नहीं मिले हैं बेटी, इसलिए आप व्यर्थ में चिंता मत कीजिए। किंतु राज पंडित ने इतना अवश्य बताया है कि दैत्य सम्राट आपको और रूपनगर को कोई हानि पहुंचाने नहीं आया है। वो हमें हानि पहुंचाए या लाभ, ये भविष्य की बात है। किंतु इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उस युवराज का क्या करें? रूपनगर की सदियों से चली आ रही परंपरा हमें ये आदेश देती है कि हम उनकी सुरक्षा करें और सम्मान दें। किंतु ये भय भी है कि वो युवराज हमारे इस प्रजा का विनाश का कारण भी बन सकता है। आप ठीक कह रही है राजकुमार जी, राज पंडित ने यही भविष्यवाणी कही थी। यदि वो युवराज पशु के रूप में आ गया तो रूपनगर विनाश के सागर में डूब जाएगा, इसलिए उस युवराज को बंधक बनाकर कारागार में डालना ही उचित रहेगा। नहीं सेना प्रमुख जी, इतने बड़े युवराज के साथ ऐसा करना रूपनगर की वर्षों से चली आ रही परंपरा के विरुद्ध होगा। हमें सबसे पहले उस युवराज को दृष्टि के जाल से बांधना होगा, फिर पुराने महल के चारों ओर उस पर दृष्टि जमानी होगी। उसके पश्चात जो स्थिति उत्पन्न होगी उसी के अनुसार हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। भुवन काका का सुझाव हमें पसंद आया है। अतिथि युवराज जब तक हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी की भी उंगली उन पर उठने नहीं देंगे। किंतु उन्होंने हमारे राज्य को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया तो हम भी उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यदि अतिथि युवराज दैत्य सम्राट है तो हम भी उस रूपनगर की राजकुमारी है जिसे सारा संसार जानता है। आज्ञा दीजिए, अब हमें उस युवराज के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? जैसा एक युवराज के साथ किया जाता है उन्हें वैसा ही सम्मान दे, और उन्हें हमारा संदेशा पहुंचाया जाए कि समय मिलने पर हम शीघ्र ही उनसे भेंट करेंगे। आपका संदेश हम इसी समय पहुंचा देंगे बेटी, क्योंकि पुराने महल में अतिथि युवराज पर दृष्टि जमाने का कार्य हमें तत्काल शुरू करना है। राजकुमारी चंद्रमुखी की दोनों दासी आ रही है, उनसे बदला लेने का समय आ गया है। चलो उन्हें पशुराज का नाम बताकर भयभीत करते। हाँ चंगो, अब तू देखता जा, मैं इन दोनों दासियों को कैसे सीधा करता हूँ। अरे चंगो मंगू, तुम दोनों को कोई काम नहीं है क्या, जब देखो महल की गलियों में घूमते रहते हो? अरे नंदिनी, इसमें इन दोनों का कोई दोष नहीं है। जब इनके सरकार धुआं सिंह के पास ही करने को कोई कार्य नहीं है तो इनके पास क्या होगा? हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपने प्राणों की चिंता कीजिए। यदि इसी प्रकार महल की गलियों में तुम दोनों घूमती रही तो सबसे पहले उस पशुराज का भोजन तुम दोनों ही बनोगी। पशुराज? कौन पशुराज? ऐसा विचित्र नाम तो हमने पहली बार सुना है। क्या कह रहे हो तुम? राजकुमारी चंद्रमुखी की तुम दासियां हो कि तो तुम्हें ये पता नहीं कि राज्य और महल में क्या चल रहा है? चंगू, इनसे विवाद करने से कोई फायदा नहीं, ये दोनों अपने आप को बहुत बड़ी समझदार समझती हैं। किंतु जब इनका पाला उस पशुराज से पड़ेगा ना, तब इन्हें पता चलेगा तो कितना भयानक और हिंसक है। अरे मूर्खो, ये तो बताओ ये पशुराज है कौन
कहां से आया है, कहां रहता है। हम भी तो जाने कि ये पशुराज है कौन सी बला। ये तो हम नहीं जानते कि वो कौन सा जीव है, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि दूसरे राज्य से कोई पशु युवराज बनकर आया है, जिसके सामने पड़ने वाला हर मनुष्य मृत्यु के घाट उतर जाता है। क्या कामिनी, क्या कह रहे हैं? कहीं ये सत्य तो नहीं? नहीं नंदिनी, ये असत्य है। ये दोनों हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई जीव आता तो इसकी सूचना सबसे पहले राजकुमारी चंद्रमुखी को मिलती, उसके पश्चात इन्हें मिलती। हाँ तू ठीक ही कह रही है, ये दोनों हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर। चलो भागो यहाँ से। क्या तुम जानते नहीं कि हमें भ्रमित करने के अपराध में तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा? तुम जानते हो ना कि राजकुमारी जी हमें कितना मानती है? हम सब जानते हैं, किंतु तुम्हें ये पता नहीं कि हमारे सरकार दुआ सिंह हमें कितना मानते हैं। वो हमें पूछे बिना कौन सा भी कार्य नहीं करते। तुम्हारे सरकार तो तुमसे भी अधिक मूर्ख है। उनका महल में कितना सम्मान है ये हम सभी जानते हैं। आज के पश्चात कभी अपने सरकार को राजकुमारी चंद्रमुखी जी के सामने खड़ा करने का साहस मत करना, अन्यथा चूहों की भांति तुम्हें उठाकर इस महल से बाहर फेंक दिया जाएगा। मुंह संभाल कर बात करो दासियों। तुम हमारे सामने हमारे सरकार की बुराई कर रही हो। यदि हमने ये बात अपने सरकार को बता दी ना, तो वो तुम दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे सरकार हमारा क्या बिगाड़ेंगे? इतना याद रखना, हम राजकुमारी चंद्रमुखी की सेविका हैं और तुम उस मूर्ख मनुष्य के तुच्छ दास। इसलिए हम पद में तुम दोनों से बहुत बड़े। आज के पश्चात हम दोनों को नेत्र दिखाने का साहस भी मत करना। अब तुम दोनों को तो हमारे सरकार ही नेत्र दिखाएंगे। तुम दोनों ने हमारा अपमान किया ना, हम अपनी सरकार से कह के तुम दोनों को दंड दिलवाएंगे। चलो चंगू। इस पुराने महल में मुझे किसी विशेष कारण से रखा गया है। गजराज सिंह पहले मुझे रूपनगर के महल में लेके जा रहे थे, किंतु अचानक किसी ने यह निर्णय बदल दिया और मुझे यहां भेज दिया गया। क्यों, ये क्या रहस्य है? युवराज, देखिए आपसे मिलने रूपनगर के सर्वोच्च अधिकारी आए हैं, इनसे मिलिए। यह है श्री भुवन सिंह जी और सेना प्रमुख श्री महेंद्र सिंह जी। प्रणाम। प्रणाम। युवराज, हम आपके लिए राजकुमारी चंद्रमुखी का विशेष संदेश लेकर आए हैं। वो राज के कार्यों में अति व्यस्त हैं, इसलिए आपसे भेंट करने ना आ सकी, किंतु अति शीघ्र ही वो आपसे भेंट करने आएंगी। आश्चर्य है, एक राजकुमारी स्वयं मुझसे भेंट करने क्यों आ रही है? राज नियम के अनुसार किसी भी अतिथि को राजमहल में जाकर उनसे भेंट करनी चाहिए। अवश्य भी रहस्य है। आप किस सोच में डूबे हैं युवराज? क्या आपको यह जानकर प्रसन्नता नहीं हुई कि रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी स्वयं आपसे भेंट करने आने वाली है? हमें खुशी से अधिक ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी अपने अतिथियों का इतना आदर करती हैं, उनसे स्वयं चलकर मिलने आती हैं। कुंवर सूर प्रताप सिंह के पश्चात आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं युवराज, जो रूपनगर की सीमा में पहुंचने में सफल हुए हैं, इसलिए उनके पश्चात आपका ही स्वागत होने वाला है। हम कुंवर सूर्य प्रताप सिंह से तत्काल मिलना चाहते हैं, क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? इतने बड़े महल में हम अकेले पड़ गए हैं,
हम इस वन में अकेले कैसे रह सकते हैं? आपकी अभिलाषा शीघ्र पूर्ण होगी युवराज, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम स्वयं एक कुंवर सूर्य प्रताप सिंह के पास आपको ले जाएंगे। आपको विश्राम की अति आवश्यकता है, आप विश्राम कीजिए। नहीं, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल अपना लक्ष्य पूरा करना है। मुझे सूर्य प्रताप सिंह से जल्दी मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलते ही अपने राज्य की ओर लौट जाऊंगा। इस प्रकार हट नहीं किया करते युवराज, भुवन सिंह जी आपके भले की बात कह रहे हैं, आप विश्राम कीजिए, सूर्य प्रताप सिंह जी से आपकी भेंट शीघ्र हो जाएगी, हम पर विश्वास रखिए। ठीक है, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि कुंवर सूर्य प्रताप सिंह कैसे हैं और किस हाल में है वो। कुंवर सूर्य प्रताप सिंह पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और इस समय रूपनगर के महल में विश्राम कर रहे हैं। आजकल वो बूढ़ा भुवन सिंह और उनका पिछ लगो महेंद्र सिंह अपनी बहुत मनमानी करने लगे हैं, वो अपना हर कार्य गुप्त रूप से पूर्ण करने लगे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें तो लगता है हम केवल नाम के मंत्री रह गए हैं। अब आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता है महामहिम, आप एकदम सत्य कह रहे हैं, आप इतने बड़े मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं है। वो महेंद्र सिंह और भुवन सिंह अपनी मनमानी ऐसे कर रहे हैं जैसे वो रूपनगर के महाराज हो, वो आपसे किसी भी कार्य के लिए विचार विमर्श नहीं कर रहे महामहिम। उन लोगों ने जो उस विचित्र युवराज को वश में करने की रणनीति बनाई है वो भी हमें नहीं बता रहे, जबकि उस युवराज का सत्य हमने ही उन्हें बताया था। महामहिम, हमें तो कोई भी घास नहीं डाल रहा है, कोई भी नहीं। हाँ नागराज जी, हमें इस विषय के बारे में कुछ सोचना होगा। प्रणाम महामहिम जी, प्रणाम नागराज जी। कि तुम्हें क्या हो गया चंगुमंग को? तुम दोनों तो हमें आज ऐसा सम्मान दे रहे हो जैसा सम्मान महाराज को दिया जाता है। हुजूर, आप दोनों तो किसी महाराज से थोड़े ही कम लग रहे, और आपके ये बहुमूल्य वस्त्र देखकर तो महल की कोई दासी भी ये बता सकती है कि आप दोनों की पदोन्नति हो गई है। हुजूर, राजकुमारी चंद्रमुखी ने ये आपको कौन सा नया पद दे दिया? पहले आप महामहिम थे, अब ये कौन से नए पद पे कार्य कर रहे हैं? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम जानते नहीं हो कि महामहिम बहुत पहले से इतने बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं? हुजूर, वो तो हम दोनों जानते हैं, किंतु आज के पूर्व हमने आप दोनों को कभी भी इतने सजे सवरे हुए नहीं देखा, इसलिए हमने सोचा कि आपको जरूर कोई पदोन्नति हो गई होगी। हुजूर, अगर आपको बुरा लगा हो तो हम दोनों चंगू मंगू को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आज के पश्चात हम आप दोनों की कभी भी प्रशंसा नहीं करेंगे। चंगू, चलो चलो। चंगू मंगू, रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम तो हमारी बात का बुरा मान गए। हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी प्रशंसा करो या ना करो, परंतु महामहिम की प्रशंसा सदैव करते रहना। नहीं नागराज, हमें इन दोनों मूर्खों की प्रशंसा नहीं चाहिए, हमारा कार्य हमें सम्मान दिलाएगा जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। हुजूर, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, किंतु अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। हुजूर, जब से वो पशुराज इस पुराने महल में आया है तब से उसके नाम की चर्चा इस पूरे रूपनगर में हो गई। मुझे तो डर लगता है कि यदि आप लोग सतर्क नहीं रहे तो आपसे अधिक उसका नाम हो जाएगा। तो कैसे? हम कुछ समझे नहीं, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। हुजूर, उस पशुराज का आतंक सारे रूपनगर में फैला हुआ है, सारे नगरवासी उस पशुराज के आतंक से भयभीत हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे नगरवासी उस पशुराज का सम्मान करने लगेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? तो महामहिम को क्या समझ रहे हो? उस पशुराज से भले ही सारा रूपनगर भयभीत हो जाए परंतु महामहिम नहीं होंगे, क्यों महामहिम? हाँ नागराज, जब हम यमराज से नहीं डरते
तो उस पशुराज की क्या बिसात? याद रखना, आज के पश्चात हमारे सामने किसी की झूठी प्रशंसा मत करना, नहीं तो तुम संकट में पड़ जाओगे, समझे? चलो नागराज। तूने ये क्या किया मंगू? महामहिम को तूने क्रोधित कर दिया। वो अपना क्रोध हम पर कभी भी उतार सकते हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो चंगू, किंतु मैंने तो सत्य ही कहा था। खैर, अब देखते हैं महामहिम हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। नहीं, हमारा बुरा समय कब समाप्त होगा? जिस राजवीर सिंह से महल के बड़े बड़े योद्धा नेत्र उठाकर बात करने से कतराते थे, आज उससे तो आधे मनुष्य शीश उठाकर बात करने लगे हैं। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान। महामहिम, शांत हो जाइए। जब हमारा अच्छा समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, सब। तू वो समय कब आएगा? समय पर समय बीतता चला जा रहा है और आज भी हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहां से हम चले थे। क्षमा कीजिए महामहिम, क्षमा कीजिए, किंतु इसमें समय का नहीं अपितु आप ही का दोष है। आप इतने बड़े पद पर होते हुए भी एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह। आप भूल गए महामहिम कि आप रूपनगर के इस महल के एक महान शक्तिशाली मंत्री हैं। यदि आपको अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पानी है तो आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा, अन्यथा इस महल में हमें कोई नहीं पूछेगा महामहिम, कोई नहीं। शुभ शुभ बोलो नागराज, शुभ बोलो। तुम हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो। महामहिम, मैं आपके जले पर नमक नहीं छिड़क रहा हूं, नहीं, मैं तो आपके भीतर एक उत्साह भर रहा हूं महामहिम। आप स्वयं ही सोचकर देखिए, मूर्ख धुआ सिंह के वो दोनों तुच्छ सेवक आपसे किस तरह बात करते हैं, आजकल कितना अधिक बोलने लगे हैं वो। यदि आप भी महामहिम पूर्व मंत्रीवर रणवीर सिंह की तरह दबंग रहते तो आपसे कोई शीश उठाकर नहीं, शीश झुकाकर बात करता। कह तो तुम ठीक रहे हो नागराज, हमने कुछ अधिक ही डील देकर अपने आप को हानि पहुंचाई है। महामहिम, ये हानि अचानक लाभ में भी बदल सकती है, यदि आप चाहें। यदि आप चाहें तो आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हमें शीघ्र बताओ नागराज, अब हमारे मन की छटपटाहट बाहर आने लगी है, हम इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकते। अब हम शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको पूर्व मंत्रीवर रणवीर सिंह जैसा बनना होगा महामहिम। जिस तरह मंत्रीवर रणवीर सिंह का नाम सुनते ही रूपनगर के इस महल में भय का सा वातावरण छा जाता था, वैसे ही आपके नाम का भी भय होना चाहिए। फिर देखिए, यहां पर काम करने वाले अधिकारी तो क्या, यहां उड़ने वाले परिंदे भी आपके भय से उड़ नहीं पाएंगे। जो तुमने हमारे लिए सोचा है यदि वो सत्य हो जाए तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब शीघ्र बताओ नागराज, हमें पूर्व मंत्री और रणवीर सिंह के जैसे भय फैलाने के लिए क्या करना होगा? महामहिम, आपको उस विचित्र युवराज के साथ युद्ध करने की घोषणा करनी होगी, जो इस समय रूपनगर के महल में विश्राम कर रहा है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम हमें उस पशुराज से लड़ाकर नर्क भेजना चाहते हो? तुम नहीं जानते कि वो पशुराज कितना शक्तिशाली है? जानता हूं महामहिम, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उस युवराज के साथ आप तो क्या, यदि रूपनगर के इस महल के सारे योद्धा एक साथ मिलकर भी युद्ध करें तो उससे जीत नहीं पाएंगे, जानता हूं मैं। किंतु आपको उसके साथ युद्ध नहीं करना है, नहीं, कदापि नहीं। आपको केवल युद्ध की घोषणा करनी है,
जिसे सुनकर महल के सारे योद्धा कांप उठेंगे, महामहिम कांप उठेंगे और भयभीत होकर आपकी जय जयकार करने लगेंगे। जय जयकार। बात तो सत्य है, उस विचित्र युवराज के साथ मल युद्ध की घोषणा सुनकर महल में रहने वाले शत्रु ही क्या, समस्त प्रजा भी भय से कांप उठेगी। किंतु तुम ये भूल रहे हो कि यदि हमारे शत्रुओं ने हमारे नाटक को सत्य समझकर हमें उस पशुराज के साथ लड़ने के लिए विवश कर दिया तो हमारा क्या होगा? महामहिम, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा। आप भूल रहे हैं कि पूर्व मंत्री वर रणवीर सिंह ने ऐसे कितने ही नाटक किए किंतु उन्हें किसी ने नहीं ललकारा, किसी ने भी नहीं। महामहिम, इतिहास गवाह है कि जब जब पूर्व मंत्री वर रणवीर सिंह ने अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को ललकारने का साहस किया है तब तब उनकी शक्ति और अधिक बढ़ती चली गई है और अधिक। महामहिम, उनका विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया। यह तो रूपनगर की राजनीति है, यहां बल से नहीं बल्कि छल से कार्य किया जाता है महामहिम, केवल छल से। और हमें लक्ष्य की प्राप्ति इसी तरह हो सकती है। तुम ठीक कह रहे हो, हमें भी वही रणनीति अपनानी होगी जो पूर्व मंत्री और रणवीर सिंह ने अपनाई थी। फिर रूपनगर में केवल हमारा राज होगा। केवल हमारा।